अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी अपनी ज़रीना ज़रीना ख़ातून सोफ़लार में। आज मैं आपके लिए देखें क्या लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार गाढ़ा गाढ़ा इतना गाढ़ा सूप आपने कभी ना खाया होगा और ना पिया होगा। आप इसे खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अपने आप को खा कर भी दिखाती हूँ और पी कर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार, एनर्जी से भरपूर हमारा ये मज़ेदार सा गाढ़ा सूप चाइनीज़ बनाने की आपको रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। बनाइएगा ज़रूर, अपने फैमिली को खुश करें, जल्दी से जाएं किचन में बनाएं। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गाढ़ा हमारा ये, कलरफुल और बहुत अच्छे फ्लेवर में माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। फटाफट बनाएँ और खाएँ और पिए मौज उड़ाएँ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टेबल स्पून ऑयल ले लूँगी मैं। 1 पाव चिकन है, इसे कर लीजिए रोस्ट अच्छा सा फ्राई। चिकन को मैंने अच्छा सा कर लिया है रोस्ट, आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका कलर बहुत ही प्यारा आ चुका है। चिकन की ये बात मुझे बहुत अच्छी है कि गलाने के लिए हमें वेट नहीं करना पड़ता, ये हमारा चिकन फ्राई करते करते ही गल जाता है। फिर भी हम इसमें 1/2 गिलास पानी डालकर गला लूँगी मैं इसे, पानी भी गल जाएगा और हमारा चिकन भी गल जाएगा। 1 चुटकी नमक डालूँगी मैं इसमें, मुश्किल से ये 10 मिनट लेगा, ढक्कर गला लूँगी लोक लेंगे। खोल कर देखते हैं, चिकन को रख दिया था मैंने गलने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक। जब तक आपका चिकन इस तरह का कलर ना लाए आपने इसे उतारना नहीं है, और ये चढ़ चढ़ की आवाज़ आनी चाहिए, चिकन का इस तरह का कलर आना चाहिए, फिर हमारे सूप में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। सर्दी की आमद आमद हो चुकी है, अब हम ये चिकन निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर ये फ्लेवर जो इसका है ये भी निकाल लेंगे। हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छा सा गल चुका है, अब हम इसके कर लेंगे इस तरह हाथ की मदद से रेशे। ये सूप में पीते हुए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और इसी यखनी के साथ हम ले लेंगे। चिकन के तो कर लिए हमने रेशे, अब आते हैं हम वेजिटेबल की तरफ। पालक के ये 2-4 पत्ते पतले पतले से काट लिए हैं मैंने, 1 गाजर क्यूब्स की शक्ल में, 1 लच्छे की, अदरक लहसुन हरा धनिया, 2 हरी मिर्च। सबसे पहले मैं पालक उबलते हुए पानी में 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट हम उबाल लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कड़वापन होता है वो निकल जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। 1 पतीला लेंगे, उसके ऊपर रख लेंगे हम छलनी और पालक को हम छान लेंगे। कड़वा खारा पानी इसका निकल चुका है। सेम वही सॉस पैन मैंने रख लिया है, इसमें मैं ले लूँगी 2 से 2.5 टेबल स्पून ऑयल, सबसे पहले तेज़पत्ता, और इसी के साथ दूसरे साबुत मसाले मैं आपको बताती हूँ। 2 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून सौंफ, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेज़पत्ता, ये हमने डाल दिए हैं। अब हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर इन सारे मसालों का निकाल लेंगे अच्छा सा फ्लेवर। ये बड़ी वाली काली इलायची 1, छोटी इलायची 2, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 2 टीस्पून सौंफ, अदरक लहसुन के लच्छे, ये सब मैंने डाल दिए हैं। इंशाल्लाह अब इनका निकलेगा बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट। पका लेंगे 10 से 12 मिनट तक। खड़े मसाले हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुके हैं, और मैं साबुत काली मिर्च बताना भूल गई थी, 10-12 साबुत काली मिर्च। अब हम ये मसाले छान लेंगे और ये साबुत मसाले हम फेंक देंगे, यखनी रख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, यखनी को हमने छान लिया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे 2 टेबल स्पून दोबारा ऑयल लेंगे, और इसमें कर लेंगे अदरक लहसुन को रोस्ट। ऑयल हमारा हो चुका है गरम, अब हम डाल लेंगे अदरक लहसुन, इस तरह से कर लेंगे रोस्ट, अच्छा सा कलर आने तक हम रोस्ट करेंगे, इसका कच्चापन निकाल लेंगे बस। अदरक लहसुन हो चुका है माशाल्लाह रोस्ट, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं डालूँगी पालक, और पालक की कर लेंगे भुनाई, कच्चापन निकाल देंगे इसका। हम ले लेंगे 2 हरी मिर्च और 2 डिज़ाइन में कटी हुई हमारी खूबसूरत सी गाजर, इनकी भी हम हल्की सी करेंगे भुनाई लो फ्लेम पर। गाजर की भी हमने कर ली है भुनाई, अब हम डाल लेंगे चिकन के रेशे, यखनी समेत मिक्स करेंगे अच्छी तरह। बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है हमारा ये चाइनीज़ सूप, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। आजकल बहुत ज़्यादा जुकाम वगैरह एलर्जी फ्लू फैला हुआ है, तो उसके लिए बहुत मुफीद है। कलरफुल हमारा चाइनीज़ सूप, अब हम डाल लेंगे
फ्लेवरफुल टेस्टी मज़ेदार हमारी मसालों की यखनी। और अब हम आते हैं पिसे हुए मसालों की तरफ। सबसे पहले मैं लूँगी सूप की जान पिसी हुई काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, ज़ीरा बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार ज़ीरा पाउडर, तो चिकन पाउडर चाइनीज़ सूप की जान 1 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून या हसबे ज़ायका, और गरम मसाला ले लेंगे हम 1/2 टीस्पून या आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। सूप रेडी होने से पहले 2-3 मिनट पहले आपने लेनी है हल्दी, बहुत पहले लेंगे तो ब्लैक सा हो जाएगा, अगर हम एंड में लेंगे तो बहुत ही मज़ेदार कुल आएगा इसका कलर सूप यखनी का। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार कलरफुल हमारा चाइनीज़ पालक सूप रेडी है। अब हम इसमें डाल लेंगे 1/2 अंडा, ये ऑप्शनल है मगर इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा और गाढ़ा हो जाएगा, रेशे बन जाएंगे इसके। इस तरह से हम अंडा डालकर उसमें चमचा नहीं घुमाएंगे, 1 से 2 मिनट पकने देंगे। आजकल जिसको देख रहे हो नज़ला ज़ुकाम छींकें वगैरह फ्लू फैला हुआ है, एलर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एनर्जी से भरपूर सूप बनाते हैं, आप खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा हमारा ये पालक का चाइनीज़ सूप रेडी है। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कलरफुल हमारा गाढ़ा गाढ़ा चाइनीज़ सूप बनकर रेडी हो चुका है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपको खा कर भी दिखाती हूँ और पी कर भी दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, बहुत 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 मज़ेदार और इतना कलरफुल, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, बनाइएगा ज़रूर। मिलते हैं एक और इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।